Good morning, students. Okay. Today we learn science chapter है light, shadow and reflection जो physics का chapter है. वो हम लोग start कर रहे हैं. ये COVID-19 यानी ये कोरोना वायरस को लेकर के जो change जब हाल सागर सागर से शुरू हुआ था, उसको लेकर के हमारे government ने जो action लिया जो कि हमारे लिए जरूरी था, उसी के कारण स्कूल वगैरह सब बंद हो गए हैं. सब पढ़ाई एजुकेशन काफी दिनों से बाधित है, रुका हुआ है. इसको हम लोग पुनः चालू करने के लिए स्कूल चालू तो हो नहीं सकती है, इसलिए हम माध्यम चुना है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए. तो माध्यम है ऑनलाइन क्लासेस. उस क्लासेस के द्वारा फर्स्ट साइंस क्लासेस दे रहे हैं हम, जो साइंस क्लास 6 का साइंस पढ़ा रहे हैं. इसका चैप्टर नेम है साइंस से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं. फिजिक्स का एक टॉपिक है, चैप्टर है, इसका नेम है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन. इसमें लाइट जो है, ये लाइट के बारे में आप जानते होंगे, पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे या उससे पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे. तो सबसे पहले जानने की जरूरत है हमें इस क्लास में भी, ये लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, व्हाट इट हेल्प अस, ये हमें कैसे मदद करता है, इसकी जरूरत क्या है हमें, व्हाट इज नीडेड ऑफ लाइट इन आवर लाइफ इन आवर डेली एक्टिविटी. सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको लाइट का डेफिनेशन जानने की जरूरत होगी, क्योंकि लाइट की डेफिनेशन में देखेंगे. सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन होता है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट. ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट. अब लाइट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये लाइट जो है काफी इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये लाइट जो है इसका सोर्स क्या है, ये लाइट हमें कहां से मिलेगा. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम इसको लाइट के अकॉर्डिंग देखें, तो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का होगा, या तो ल्यूमिनियस होगा या फिर नॉन ल्यूमिनियस होगा. अब इम्पोर्टेंट होती है कि ल्यूमिनियस होता क्या है, व्हाट इज ल्यूमिनियस. ये ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं दो तरह के होंगे, एक वैसा होगा जिससे हमें लाइट मिलता होगा, दूसरा ऐसा होगा जिससे हमें लाइट मिलता. तो यहीं पे समझने की बात है, पिछले क्लास में आप पढ़े हुइएगा, जानते हुइएगा कि जिनसे हमें लाइट मिलती है, जिसके पास खुद का अपना लाइट होता है, उसको हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसके पास अपना लाइट खुद का नहीं होता है उसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल हो गया टेबल, चेयर, ये मार्कर, मैं खुद, आप, ये सारे जो है, ये बोर्ड, ये वॉल, ये पिक्चर, ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. वैसे ही ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया आपको सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बॉल, इट इज जो कि जल रहा हो, वो सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. अब देखेंगे कि ये लाइट जो है एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे बड़ी बिजली मूव करते हैं, बहुत सारे परिस्थितियों में मूव नहीं करते हैं, बहुत सारे परिस्थिति में कुछ पार्ट्स लाइट का मूव करता है, कुछ नहीं मूव करता है, कुछ लाइट पास होता है, कुछ नहीं. तो यहाँ भी हम किसी भी मटेरियल्स को थ्री ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप जो होगा, पहला जो होगा उसका टाइप वो होगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हम लोग ट्रांसपेरेंट. सबसे पहले जानने की आप सकता है ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है ये है क्या, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. तो सिंपली से वर्ड में बोले तो कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प अस विच कैन पास इजीली फुल अमाउंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास, जो कलर नहीं किया गया हो एक साइड से वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होंगे, लेंस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का.
चलिए दे रहा है आपको डिफिनेशन, नोट कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट बाय वे लाइट पासिंग इजीली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास, इट इज। अब नेक्स्ट है, बताएं आपको ट्रांसल्यूसेंट। लेकिन इस ट्रांसल्यूसेंट को जानने से पहले हमें जानना होगा ओपेक। व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट? तो आइए पहले जानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो थ्री टाइप्स का होगा, पहले भी बता रखे हैं। एक ऐसा होगा जिससे लाइट का फुल अमाउंट पास कर रहा होगा, दूसरा ऐसा होगा जिससे लाइट का अमाउंट पास ही नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल दिस ब्लैक बोर्ड, इफ वी लाइट आवर टॉर्च ऑन ब्लैक बोर्ड देन इस बैक पार्ट नॉट गिव आउट डार्कनेस। कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम किसी टॉर्च को ब्लैकबोर्ड पे जलाएं, इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा ब्लैकबोर्ड के जस्ट पीछे, वहां के डार्कनेस दूर नहीं होगा, यानी कि वहां पे लाइट नहीं जाएगी। यानी कि लाइट नहीं जाने का अर्थ क्या हुआ कि ब्लैकबोर्ड से लाइट पास नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये ब्लैकबोर्ड जो है, ये बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाई बी लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, इट इज। तीसरा जो है ट्रांसलूसेंट है, ये ट्रांसलूसेंट कहने का ओपेक। ओपेक का डिफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट बाय विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं कर सकता है उसे ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब पढ़ना है ट्रांसलूसेंट। तो एक हुआ ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो जाएगी, दूसरा हुआ ओपेक जिससे लाइट पास नहीं, और तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या हो, आप लोग समझ गए होंगे पिछले क्लास में पढ़े हुए, कि ये ऐसा होगा जो कुछ मात्रा के से कुछ पार्ट्स को जाने देगा, पर बट कुछ पार्ट्स जो होगा लाइट को उसको नहीं जाने देगा। लेट मींस कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट बाय विच लाइट कैन नॉट पास फुल अमाउंट ऑफ लाइट बट पास अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहे हैं, लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
by which light, by which a proper amount of light passes is called opaque object. For example, देख रहे थे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, दैट इज इसका एग्जांपल में घिसा हुआ कांच देखिएगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं भाई फ्रॉस्टेड ग्लास से, फ्रॉस्टेड ग्लासेस, टिश्यूज पेपर, wild paper, etc. wild paper देख लीजिएगा, paper पे जब कोई wild किसी भी तरह का wild जब गिर जाता है तो उसको सुखा दीजिए, dry कर दीजिए, उसके बाद फिर उसे देखिए light जला करके, तो पता चलेगा उसका कुछ pass pass हो रहा है, light का कुछ amount passes नहीं हो रहा है, that means it is a translucent object. रहने देते हैं, आज इतना है, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसको सोर्स को लेकर के, इस सोर्स कितने तरह के होंगे. इसे अब नोट कर लें, पूरे कंटेंट को अच्छे से कॉपी में नोट करके रखेंगे, टैप करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखेंगे और इसे रिमेम्बर कर लीजिएगा, फ्री टाइम रिमेम्बर करने के लिए. थैंक यू.